हेलो तो बेटा आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकती है देखो आज मैंने एक पीवाई क्यूब करवाया था अपनी अन प्लस की क्लास में 28th ऑफ अप्रैल की क्लास में मैंने एक पीवाईक्यू करवाया है उसको मैंने किस तरीके से सॉल्व करवाया है आप पूरा वीडियो एंड तक देखना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप ना पीवाईक्यूज को बेस्ट तरीके से यूज कर पाओगे फॉर एग्जांपल ये एक पीवाईक्यू था 2014 का पीवाईक्यू है दैट 3 में आया था एमसीक्यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट अ प्रेशर पी1 एंड टेंपरेचर टी1 मेरे पास सर्टन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस है इनिशियल प्रेजर पी वन गिवन है जैसे ही उसने क्वेश्चन में certain amount में बोला आपको समझ आ गया, की की बात हो रही है, fixed mass की बात हो हो रही रही है, है, कंट्रोल मास लगने वाली है क्लोज सिस्टम आप ले सकते हैं फर्स्ट इट अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वन टू टू सच दैट टी टू इज इक्वल टू थ्री टी वन बाई फोर वो क्या रहा है जो प्रोसेस वन टू टू है वो कॉन्स्टेंट प्रेजर प्रोसेस है मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है अब ये आइसोबारिक हीट एडिशन है या हीट रिजेक्शन है देखो टी टू इज इक्वल टू थ्री टी वन बाई फोर मतलब टी टू इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव टी वन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अगर मेरे पास गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस है और आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है देन इट अंडरगोस अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टू टू थ्री सच दैट टी थ्री इज इक्वल टू टी वन बाई टू जो टू टू थ्री प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है अब इस प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या हो रहा है

तो देखो ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है अलोंग अलॉन्ग विदॉपर्स और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर आइडियल गैस भरी है स्टेट वन पर प्रेजर पी वन लगाए हैं स्टॉपर्स इस तरीके से लगाए हैं कि अगर इनिशियल स्टेट पर पिस्टन बेस से या सिलेंडर के बॉटम से एल डिस्टेंस पर है तो जो स्टॉपर है वो पिस्टन के बॉटम वाले पार्ट से थ्री एल बाय फोर की डिस्टेंस पर हैं क्योंकि आइसोबारिक हीट रिजेक्शन के बाद आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन भी तो करना है तो देखो इफ T1 वन इज ग्रेटर देन टी ऑफ़ कोर्स हीट रिजेक्शन हो रहा होगा और जो हीट रिजेक्शन हो रहा होगा वो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो रहा होगा क्योंकि टोटल एक्सटर्नल लोड इज अ कॉन्स्टेंट अब देखो जैसे जैसे हीट रिजेक्ट होता जाएगा ये जो पिस्टन है वो नीचे मूव होता जाएगा नीचे मूव होता जाएगा और फाइनली इस के ऊपर आकर बैठ जाएगा अब ध्यान से देखना मैंने ये थ्री एल बाय फोर की डिस्टेंस पर ही क्यों लगाए थे बिकॉज टी टू जो है वो थ्री टी वन बाई फोर है तो आपको पता है फॉर अ गिवन गैस अंडरगोइंग आइसोबारिक प्रोसेस प्रपोर्सन में वॉल्यूम चेंज होगा उसी प्रपोर्सन में टेम्परेचर भी चेंज होगा तो मुझे तो आइसो बारिक हीट रिजेक्शन खत्म हुआ गैस आ चुकी है स्टेट टू पर जहां पर प्रेजर पी टू वॉल्यूम टू है टेम्परेचर टी टू ऑफकोर्सूज टू पी वन टी टू जीगल टू थ्री टी वन बाई फोर वी टू जिगल टू थ्री बी वन बाई फोर अब मुझे करवाना है आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन इस तरीके से कि जो मेरा फाइनल टेम्परेचर T3 थ्री है डेट मस्ट बी टी वन बाई टू तो ऑफकोर्स अब, अब ये जो पिस्टन है ये जो पिस्टन है ये स्टॉपर्स के ऊपर आकर बैठ गया है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा टी टू इज ग्रेटरफानाइट अब जो हीट रिजेक्शन हो रहा होगा

गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोइंग आइसो कोरिक प्रोसेसोरिक और हंड्रेड परसेंट ये तब भी सही होगा जब इसको एक्सटेंड करने पर यह ओरिजिन पर पहुंचे दिस इज अ पीटी डायग्राम एक बार पीटी डायग्राम बन गया फिर मैंने अपने नेगी सोल्जर्स को बोला वीटी डायग्राम बनाकर दिखाओ तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस मासिक प्रोसेस अंडर गोइंग आइसो बारिक प्रोसेस बनता है जो वी टी डायग्राम बनता है वो एक इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है तो ऑफकोर्स वन टू टू जो आइसो बारिक हीट रिजेक्शन है वो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक्सटेंड होने पर

हमने पीवी डायग्राम से निकाला डिस्प्लेसमेंट वर्क टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्क टोटल वर्क इंट्रैक्शन उसके बाद फार्मूला से भी निकाला यस उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला से भी निकाला दोनों से सेम ही आया डब्ल्यू वन टू थ्री माइनस सेवेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव जूल माइनस सेवेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव ऑफकोर्स जो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो बेसिकली आइसोबारिक कंप्रेशन है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्क नेगेटिव ही आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो डिस्प्लेसमेंट वर्क शून्य होता ही है हम यहीं पर नहीं रुके फिर मैंने बोला कि काम करो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज भी निकाल कर दिखाओ वो भी हमने कैलकुलेट किया माइनस का 359 किलो जूल फिर इसी क्वेश्चन के डाटा से मैंने पूछा कि एक काम करो टोटल हीट इंट्रैक्शन निकालकर दिखाओ बच्चों ने तुरंत फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर द प्रोसेस लगाया और ये आ गया फिर मैंने बोला एक काम करो बिना इस फार्मूले को यूज करे क्यू हीट इंट्रैक्शन निकालो तो क्यू वन टू टू प्लस क्यू टू टू थ्री आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा हीट इंट्रेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथेलपी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट इंट्रेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर इससे सॉल्व किया ये देखो यहां पर भी वही आंसर आया जो यहां रहता माइनस का फोर थर्टी पॉइंट सेवन फाइव माइनस का फोर थर्टी पॉइंट सेवन फाइव ये तरीका है पीवाई क्यू को सॉल्व करने का देखो यार मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज लगाने हैं और जब मैं बोल रहा हूं सारे के सारे पीवाई क्यूज लगाने हैं मतलब मिनिमम पैंतीस साल के पीवाई क्यूज लगाने हैं पंद्रह साल के पीवाई क्यूज लगाने से कुछ नहीं होगा रैंक तो नहीं आएगी मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूं क्योंकि यार देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड जब आप 35 साल के PYQs लगा लेते तो ना आपको काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या मिजाज है जो भी इन क्वेश्चंस को फ्रेम करता है उस इंसान का और जब पीवाई क्यूज को आप इस तरीके से सॉल्व करते हो कि आपने पीवाई क्यू पकड़ा और वहां से जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वो आपने सोच लिए मैंने एक example आपके सामने रखा है एक एक आपके सामने रखा है सिंगल क्वेश्चन से यह एक सिंगल क्वेश्चन था यहां से हमने फिजिकल अरेंजमेंट पीवी डायग्राम टू पीटी डायग्राम थ्री पी डायग्राम फोर ऑफ कोर्स v3 v1 5 उसके बाद p3 p1 6 उसके बाद टोटल हीट इंट्रैक्शन 7 टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज 8 टोटल हीट इंट्रैक्शन 9 नाइन क्वेश्चंस फ्रेम कर लिया आपको समझ में आ रहा है तो यार इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचो अगर इसकी जगह ये पूछ लेता इसी डाटा के साथ तो क्या होता है ना जिस दिन आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया मैं बता रहा हूं आपका ना कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बढ़ जाएगा आपकी थिंकिंग की लेवल बढ़ जाएगी और यार देखो मैं बता रहा हूं अन प्लस पर हम इसी तरीके से यस ये जो ऑल स्टार टीम है हमारी अप्रोच ही यही रहती है पढ़ाने की कि आपको ना समझ में आ जाए कि करना क्या है नए क्वेश्चंस को कैसे अटैक करना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से डेवलप हो जाए ताकि गेट जैसे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में आप होल्ड कराओ तो यार एक और चीज बता दू नया बैच स्टार्ट हो चुका है ट्वेंटी एथ ऑफ अप्रैल से अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो नया ऑल स्टार बैच इस ऑल स्टार टीम ने स्टार्ट किया है और जब मैं ऑल स्टार टीम बोलता हूं तो मतलब इसका एक एक मेंबर ऑल स्टार का एक एक मेंबर स्टार एडुकेटर है रे बाबा यहां ऑल स्टार टीम की बात हो रही है और आप नए बैचेस कर पाओ उसके लिए चल रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जैसे ही आप लगाते हो नेगी 10, आपको ऑफ मिल जाएगा याद रखना ये जो ऑफर है थर्टीएथ ऑफ अप्रैल तक वैलिड है उसके बाद 25% ऑफ नहीं मिलेगा इनफेक्ट जो नॉर्मल 10% ऑफ होता था वो भी घटकर 5% हो जाएगा एक और चीज बेटा फर्स्ट ऑफ मे से प्राइस हाइक हो रहा है टेन परसेंट का प्राइस हाइक हो रहा है और अगर नेगी सर ने बोल दिया हो रहा है मतलब हो रहा है तो यार फर्स्ट ऑफ में से प्राइस हाइक हो रहा है जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है दस परसेंट का वो घटके पांच परसेंट हो जाएगा आपके पास जितने भी क्रेडिट हैं सब एक्सपायर हो जाएंगे तो यार इससे पहले कि ये सारी चीजें हों लगाओ नेगीओकेडमी प्लस पर इसी तरीके से झम झमा झम लर्निंग करते हैं बाबा थैंक यू सो मच लव यू ऑल टेक केयर